प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस के कजान शहर निकल गए हैं। पीएम मोदी ने रूस जाने से पहले ऐसा तहलका मचाया है जो कई देशों को हिलाकर रख देगा। कनाडा और अमेरिका पर तो सबसे बड़ी बिजली गिरी है। पीएम मोदी दुनिया की तस्वीर बदलने के लिए एक ऐसा खेल करने वाले हैं जो कई पश्चिमी देशों को बर्बाद कर सकता है। आपने शायद ध्यान दिया हो या ना दिया हो, मगर पीएम मोदी के ब्रिक्स सम्मेलन में जाने से पहले कनाडा और अमेरिका ने भारत पर सबसे तीखा हमला किया था। पीएम मोदी के रूस में कदम रखने से पहले ही अमेरिका और कनाडा ने आरोप लगाया कि भारत उनके इलाकों में घुसकर खालिस्तानियों को मार रहा है। इसकी वजह से भारत के अमेरिका के साथ संबंध तनावपूर्ण हो गए और कनाडा के साथ तो लगभग खत्म ही हो गए। लेकिन अमेरिका और कनाडा ने ऐसा क्यों किया, उसका जवाब खुद पीएम मोदी ने रूस जाने से पहले दे दिया। पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स सम्मेलन से पहले एक ऐसा खेल किया है जो कनाडा और अमेरिका को बहुत गहरी चोट देने वाला है। दरअसल पीएम मोदी ने कुछ समय पहले ऐलान किया था कि दुनिया में एक नई विश्व व्यवस्था यानी नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में पूरी दुनिया की निगाहें सिर्फ भारत पर हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमिक पावर में से एक होगा। अब इसी नए वर्ल्ड ऑर्डर की पहली झलक पीएम मोदी ने रूस जाने से पहले दिखा दी है। पीएम मोदी के रूस जाने से ठीक पहले भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को लेकर बहुत बड़ा ऐलान किया है। पिछले 4 साल से भारत और चीन के बीच लद्दाख में चल रहे तनाव में कमी आने के बहुत बड़े संकेत मिले हैं। दोनों देशों के बीच सीमा पर होने वाली सैनिक गश्त पर सहमति बन गई है। ब्रिक्स सम्मेलन से ठीक पहले भारत ने ऐलान किया है कि लद्दाख में डिसएंगेजमेंट हो सकती है। डिसएंगेजमेंट का मतलब है कि भारत और चीन के सैनिक आमने सामने से हट जाएंगे, हथियार बंकर सब पीछे खींच लिए जाएंगे। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच रूस में मुलाकात का माहौल तैयार हो जाए। पुतिन भी चाहते हैं कि भारत और चीन बात करें ताकि पश्चिमी देशों को मिलकर दबाया जा सके। अंदाजा लगाइए कि अगर भारत रूस और चीन का खेमा बन गया तो अमेरिका और पश्चिमी देशों का क्या होगा। यही एक नया वर्ल्ड ऑर्डर होगा जहां अब पश्चिमी देशों की नहीं बल्कि एशिया की महाशक्तियों की चलेगी। कनाडा और अमेरिका के रूस और चीन के साथ संबंध पहले ही खराब हैं, मगर ब्रिक्स से पहले भारत और चीन के बीच तनाव कम होना अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए खतरे की घंटी है। अमेरिका जानता है कि अगर भारत रूस और चीन ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया तो ये गठजोड़ पूरी दुनिया की तस्वीर बदल कर रख देगा। अमेरिका इसकी झलक मिडल ईस्ट में देख चुका है। मिडल ईस्ट के कई देश अब अमेरिका को छोड़कर रूस, चीन और भारत की तरफ आ चुके हैं।